त्रिनेत्र चिरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा। रतनगढ़ क्षेत्र में चल रहे ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक खेल की लापरवाही व अव्यवस्था इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। आज रमा ज्ञान भवन के खेल मैदान में चल रहे ओलंपिक में 14 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आलसर निवासी 9वीं कक्षा की 14 वर्षीय छात्रा मानवी स्वामी पुत्री प्रेम कुमार स्वामी राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक ब्लॉक स्तरीय खेल में भाग लेने के लिए आई थी। इस दौरान वह खेल मैदान में धूप में खड़ी थी कि अचानक गश खाकर गिर गई, जिसे राजकीय चिकित्सालय में पहुंचाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उक्त मृतक छात्रा कबड्डी खेल की खिलाड़ी थी। गौरतलब है कि ओलंपिक खेल आज सुबह 8 बजे से शुरू होने वाला था, लेकिन देरी से शुरू किया गया। इस दौरान तेज धूप के कारण बच्चे परेशान थे और पीने के साफ पानी की भी व्यवस्था नहीं थी। इस संबंध में CBO भवनलाल डूडी, ACBO व ओलंपिक प्रभारी उमेश जाखड़ से जब जानकारी चाही तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। घटना को लेकर परिजनों व आमजन में जिम्मेदारों के प्रति आक्रोश व्याप्त है। वहीं समाचार लिखे जाने तक प्रशासन व परिजनों व ग्रामवासियों के साथ समझाइश के साथ वार्ता जारी थी। जिला कलेक्टर चूरू ने भी इस संबंध में जानकारी लेकर आगे CMO को भिजवाई। खाने में पूड़ी और एक एक लड्डू और सब्जी थी। कब की, क्या ताज़ा थी या क्या लग रहा था उसमें? ताज़ा तो नहीं थी। क्या अनुमान है आपका? बासी थी शायद। दो दिन पहले की थी। बैठने के लिए व्यवस्था या छाँव की और की? पानी वगैरह पीने के लिए? और पानी तो ठीक था। ठीक था तो वैसे व्यवस्थाएं पूरी नहीं थी आप लोगों के लिए। खाना कितनी बार दिया जाता है आपको? एक बार। कितने बजे मैच होना था? आठ बजे का था, फिर टीमें आ गई इसलिए एक लड़की एक्सपायर होने की वजह से रोक दिया गया। 3 बजे होगा फिर। क्या नाम आपका? मेरा सोनू सिंह। कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही खाने की, ना ही पीने की, ना ही छाँव की। खाना बिल्कुल खराब है, पानी बिल्कुल खराब है, ना ही यहाँ छाँव की व्यवस्था है। क्यों, एक भी टेंट लगा हुआ नहीं। आप कैमरा घुमा कर कहीं देख सकते हो, खाना बिल्कुल खराब है। सारे बच्चों ने खाने का बहिष्कार किया है, ये आपके सामने है। पानी आप देख सकते हो बिल्कुल खराब है, पीने योग्य पानी नहीं है। तो आपने इस संबंध में अधिकारियों का यहाँ जो इनको बिल्कुल कहा, इन्होंने कहा आपको खाना दिखाओ नहीं मत खाओ, कोई डस्टबिन में डाल दो, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अभी एक बच्ची की भी यहाँ मौत हुई, उसके बारे में जानकारी है आपको? बिल्कुल मौत हुई है यहाँ, उसके तो कोई कारणवश मौत होगी, उसके खाने से मौत नहीं है, कोई खेल की वजह से कोई मौत होगी कुछ कारणवश। सर ये पूरा खाना गंदा है, जैसे हमारी मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं बासी खाना रात का बना हुआ, और सभी बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। क्या कह रही है, कह लो सरकार ये खाना दे के मारेगी क्या सभी को? शरमाने चाहिए, वोट के लिए कर रही है सब के सब काम, शरमाने चाहिए उन लोगों को जिन्होंने ये खाना बनाया, और ऐसे ऐसे युवा बच्चों को मारना चाहती है। कांग्रेस सरकार का बहिष्कार है हमारे यहाँ से। चूरू पंचायत समिति की साधारण बैठक में किसी भी वरिष्ठ अधिकारी के उपस्थित न होने पर जनप्रतिनिधियों ने आज बैठक का बहिष्कार कर दिया एवं जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर शिकायत दर्ज करवाई। पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, प्रधान दीप चंद्राहड़, उप जिला प्रमुख महेंद्र न्योल सहित पंचायत समिति सदस्य व अनेक जनप्रतिनिधि जब साधारण बैठक में भाग लेने के लिए पंचायत समिति के सभागार में पहुंचे तो काफ़ी देर इंतजार करने के बाद भी ना तो बिजली विभाग से, ना जलदाय विभाग से और ना ही अन्य विभागों से कोई अधिकारी बैठक में पहुँचा, जिस पर जनप्रतिनिधियों ने विरोध प्रकट कर साधारण बैठक का बहिष्कार कर कलेक्टर को संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए कहा। पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहार ने कहा कि आगामी बैठक में कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं मिलता है तो पंचायत समिति को ताला लगा दिया जाएगा। पंचायत समिति मीटिंग कई महीनों बाद होती है, 3 महीने का नियम है, 3 महीने बाद मीटिंग हो रही है। जब पंचायत सदस्य, जिला सदस्य और सरपंच साहिबान मीटिंग में गए, 12 बजे तक इन्हें अधिकारी और कर्मचारी इंतजार करते रहे, वीडियो से बार बार कहते रहे, कलेक्टर साहब को टेलीफोन किया, और उसके बाद भी कोई PHD का अधिकारी नहीं, कोई बिजली बोर्ड का अधिकारी नहीं, कोई राजस्व का अधिकारी नहीं, SDM ने तहसीलदार, और आपकी योजना का तो कोई आदमी आया ही नहीं। तो इसलिए सारे जनप्रतिनिधियों ने प्रधान की जी की अध्यक्षता में और इस मीटिंग का बहिष्कार करके कलेक्टर से मिलने का काम वहां से चले, और यहाँ आने से इस कलेक्ट्रेट में कोई भी कर्मचारी यहाँ है ही नहीं, न SDM है, न तहसीलदार अधिकारी, न अपने नायब तहसीलदार है, न ADM साहब है, कोई नहीं मिला। ये दुर्भाग्य है, जनप्रतिनिधि आपका काम छोड़ के, किसान है, खेत का काम छोड़ के यहाँ इस मीटिंग में समस्या रखने के लिए है, और कोई यहाँ जनप्रतिनिधि अधिकारी कर्मचारी नहीं मिला। इसलिए हम बहिष्कार करके और दोबारा कलेक्टर साहब से मिलकर सभी जनप्रतिनिधि मीटिंग की दोबारा में साधारण सभा की बैठक में
नहीं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी रहे, नदारद पीएचडी से कोई भी नहीं आया और पुलिस प्रशासन से कोई भी नहीं आया, नहीं एसडीएम साहब आए, नहीं तहसीलदार जी आए। इसलिए हमारे सभी सदस्यों ने और जनप्रतिनिधियों ने और इस साधारण सभा की बैठक का बहिष्कार किया। आज पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक में सभी सरपंचगण, जनप्रतिनिधिगण सभी पहुंचे, लेकिन वहां पर अधिकारी के नाम पर सब नदारद, कोई भी डिपार्टमेंट का अधिकारी वहां पर उपस्थित नहीं है। तो ऐसी मीटिंग का क्या फायदा, सभी का समय है वो बर्बाद होता है, सब लोग यहां पर उपस्थित हो लेकिन काम के नाम पर शून्य है। किसी से अगर हम अपनी समस्याएं बताएं तो किसको बताएं, तो इस पर सभी जनप्रतिनिधियों ने सभी ने मिलकर मीटिंग का बहिष्कार कर दिया। राज्य अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ उपनिवेशन, कृषि सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग मंत्री शाले मोहम्मद ने कहा है कि जननायक व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्णयों से प्रदेश में हर तरफ खुशहाली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गरीब और वंचित के प्रति अपने संवेदनशील निर्णयों से राहत पहुंचाई है। राजस्थान मुख्यमंत्री गहलोत के नेतृत्व में प्रदेश विकास के हर क्षेत्र में हर दिन नई इबारत लिख रहा है। अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ मंत्री शाले मोहम्मद आज जिला मुख्यालय पर सद्भावना मंडप में राजकीय अल्पसंख्यक बालक आवासीय विद्यालय का शिलान्यास और पीएमजेबी योजना अंतर्गत निर्मित सद्भावना मंडप व राजकीय पारक बालिका विद्यालय एवं राजकीय बागला विद्यालय चूरू में करवाए गए विस्तार कार्यों के लोकार्पण कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। मंत्री मोहम्मद ने कहा कि प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जवाहर नवोदय विद्यालय की तर्ज पर आवासीय विद्यालय खोले जाने की योजना है। इसी क्रम में यहां आवासीय विद्यालय का शिलान्यास किया गया है। इस अवसर पर राज्य महिला आयोग अध्यक्षा रेहाना रियाज चिश्ती, राज्य वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानुखा बुदवाली, सभापति पायल सैनी आदि उपस्थित रहे। अभी चूरू जिले के अंदर हम एक तो आवासीय विद्यालय बना रहे हैं। पहली बार राजस्थान के अंदर हमारे विभाग ने एक शुरुआत की थी कि जिला स्तर पे नवोदय विद्यालय की तरफ पे हम चाहते हैं कि अकलित के लोग एजुकेशन में बहुत पिछड़े हुए, तो उनकी शिक्षा की क्वालिटी अच्छी हो, उनको किस प्रकार से शिक्षित किया जाए, तो एक शिक्षा का माहौल उनके परिवार में बने, तो हमने आवासीय विद्यालय की शुरुआत की है जो लगभग 400 बेड के हैं। पहली शुरुआत अभी हमने 100 बेड की है, तो यहाँ आपके 200 बेड की हमने शुरुआत की है जो 2 साल में भवन बन के तैयार हो जाएगा। और अभी लगभग 104 बच्चों को हमने वहाँ पर एडमिशन दे दिया, तो हमने शुरुआत तो हम कर चुके हैं। हम चाहते हैं कि वो जो गरीब बच्चे हैं जिनके लिए तमाम खाने पीने, रहने की, उनकी ठहरने की, उनकी पाठ्य पुस्तक, पोशाक, सब चीज़ें जो है सरकार की तरफ से पर बच्चा 2500 रुपये हम खर्च कर रहे हैं, तो पूरे राजस्थान में योजना शानदार हैं। जैसे कालीबाई भील योजना, उसमें स्कूटी दे रहे हैं, अनुप्रति कोचिंग योजना, इतनी शानदार योजना है जो कम से कम मैं समझता हूँ एजुकेशन के लिए जो गरीब बच्चा है उसके लिए फ़ायदेमंद। दूसरा, सद्भावना मंडप, नागरिक सेवा केंद्र, ये एक समय की ज़रूरत है। आज सामाजिक प्रोग्राम होते लोगों के पास तो उनको जेब से पैसे दे के उनको खर्च करने पड़ते हैं, तो कम से कम गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे नागरिक सेवा के अंदर सद्भावना मंडप होंगे तो कम से कम लोग बैठ के समाज के लिए बात कर सकते हैं या अपना निजी प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से हम पूरे राजस्थान के अंदर लगभग सभी जगह नागरिक सेवा केंद्र बना रहे हैं, आवासीय विद्यालय बना रहे हैं और साथ साथ में हॉस्टल्स बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, जो एससी एसटी के पहले हॉस्टल चलते थे उसी तरह पे पूरे राजस्थान के अंदर हर उपखंड पे और जिला स्तर पे हमने बॉयज़ और गर्ल्स के सभी जगह हॉस्टल बनाए। मैं कहना चाहता हूँ हमारे सांसद महोदय से, आप राजस्थान के 25 सांसद जीत के गए। आज जितनी भी हमारी माइनॉरिटी की योजनाएं चलती थी 60-40 रहसी, हर योजना में आज केंद्र सरकार की पंचायती राज में देख लो, एजुकेशन में देख लो, आपकी शिक्षा का पूरा पूरा पैसा भारत सरकार देती है। इसी तरह माइनॉरिटी में जितनी भी आपकी योजनाएं थी वो आपने 2 साल पहले योजनाएं बंद कर दी। आपने सद्भावना मंडप के लिए मैं मानता हूँ कि आज 60-40 के रहसी पैसा दिया है, वो सब जगह दे रहे, पूरे देश के अंदर दे रहे हैं, पर आज हमने भी तो 40% पैसा दिया है, जमीन दी है, आज इतना काम किया तभी तो बनी है। तो आज आपने जो हमारे आवासीय विद्यालय हैं, हॉस्टल्स हैं, सद्भावना मंडल है, जो नागरिक सेवा केंद्र थे, आज क्या 2 साल से एक पैसा मिला है राजस्थान को? आज स्कॉलरशिप आपने बंद कर दी माइनॉरिटी के बच्चों की, जो 1 क्लास से 8th की पहले बंद कर दी, और अब आपने प्री पोस्ट मैट्रिक इसका भी आपने पैसा दे बंद कर दिया। अब आप कह रहे हो वेरीफाई होगा तभी स्कॉलरशिप देंगे। आज जितनी योजनाएं थी आप स्कॉलरशिप में भी राजनीति डाल रहे हो। आज तक कभी सुना है कि किसी बच्चे की स्कॉलरशिप का पैसा कटा है? पहली बार राजस्थान में मैं आरोप लगाता हूं उन पे कि आपने माइनॉरिटी के लोग बच्चों के साथ भेदभाव किया है कि आज उन बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। आज काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनको ड्रॉप आउट होना पड़ेगा क्योंकि उनके जेब में पैसा नहीं है। भाजपा के सदस्यता अभियान कार्यक्रम के तहत नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के चूरू आवास पर आज प्रेस वार्ता की गई।
प्रेस वार्ता में पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहान, प्रदेश मंत्री डॉक्टर वासुदेव चावला, प्रदेश प्रवक्ता अशोक सैनी आदि उपस्थित रहे। सैनी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और यह पार्टी राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर चलने वाली पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों का विश्वास है, जिसकी वजह से आज भाजपा परिवार का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने अभियान के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हर शहरी बूथ पर 200 नए कार्यकर्ताओं को सदस्य बनाया जाएगा, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में हर बूथ पर 100 व्यक्तियों का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार पूरे प्रदेश में 10 दिन के इस अभियान में लगभग 50 लाख कार्यकर्ताओं का लक्ष्य रखा गया है। चावला ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जननी बताते हुए कहा कि जब तक कांग्रेस मुक्त प्रदेश नहीं होगा, तब तक भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं मिल सकती। चूरू सैनिक विश्राम गृह में जिला स्तरीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी के दूसरे दिन आज विभिन्न प्रकार की दुकानें लगाई गई। विभाग के महाप्रबंधक नानूराम गहलोनिया ने बताया कि प्रदर्शनी में 17 अगस्त को 33,000 रुपए के उत्पादों की खरीदारी की गई। प्रदर्शनी के दौरान सांस्कृतिक संध्या में राकेश एंड पार्टी की ओर से आकर्षक राजस्थानी लोक गीतों की रंगारंग प्रस्तुतियों का आयोजन किया गया। सिद्ध उद्योग पारे बड़ा बीदासर के सौजन्य से आयोजित मेहंदी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान ममता कुमारी प्रजापत, द्वितीय स्थान सरीना व तृतीय स्थान मोनिका पटेल ने प्राप्त किया। प्रदर्शनी में आज उत्कृष्ट उत्पाद हस्तशिल्प प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 12 दस्तकारों द्वारा भाग लिया गया। इस अवसर पर जगदीश प्रसाद जैसनसरिया, गिरधारी लाल पारिक अध्यक्ष, गौशाला समिति आदि उपस्थित रहे। जिला स्तरीय ये 3 दिवस की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी के दौरान आज हमने बच्चियों की मेहंदी प्रतियोगिता रखी है और बच्चियों ने बड़ा उत्साहपूर्वक इस मेहंदी प्रतियोगिता में भाग लिया है। आप देख रहे हैं कि देखो एक से एक बेहतर मेहंदी छापी है बच्चियों ने, और मैं इन बच्चियों के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और ये भी एक कला है, इसको अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिस्प्ले कर रहे हैं। और इन बच्चियों में जो प्रथम आएगी उसको 2100 रुपये, सेकेंड आएगी उसको 1100 रुपये, थर्ड आएगी उनको 700 रुपये और 2 सांत्वना पुरस्कार 500 रुपये दिए जाएंगे इनको। बच्चियों को नगद पुरस्कार कल जो अपना पुरस्कार वितरण समारोह होगा उसके माध्यम से दिए जाएंगे। आपका नाम सर? नानू राम गहनोलिया, महाप्रबंधक जिला उद्योग वाणिज्य केंद्र चूरू। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चूरू द्वारा राजकीय लोहिया महाविद्यालय से संबंधित 21 सूत्रीय मांगों को लेकर विगत 4 दिनों से दिया जा रहा धरना आज वार्ता के बाद समाप्त हो गया। नगर मंत्री नीरज चौधरी ने बताया कि राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू से संबंधित 21 सूत्रीय मांगों को लेकर विद्यार्थी परिषद चूरू की ओर से महाविद्यालय प्रशासन को अनेकों बार अवगत करवाया गया, उसके बावजूद महाविद्यालय प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। इस संबंध में विगत 4 दिनों से राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू के आगे धरना चल रहा था, जिस पर भी प्रशासन ने कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की। इसको देखते हुए आज कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूंका व चक्का जाम किया। इसके बाद सभी कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए प्राचार्य कक्ष के आगे पहुंचे व प्राचार्य कक्ष के आगे धरने पर बैठ गए। इस मौके पर ABVP कार्यकर्ता व महाविद्यालय प्रशासन से हुई वार्ता में महाविद्यालय प्रशासन से लिखित आश्वासन के बाद धरने को समाप्त किया गया। रतनगढ़ में स्वर्गीय श्री श्यामलाल माली भुवालका की प्रथम पुण्यतिथि पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत पूर्वजों की याद में गुरुवार रात भव्य जागरण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रेरक महंत श्री देवदास जी महाराज, दादू द्वारा आश्रम, बाल साध्वी माँ अन्नपूर्णा उपासिका, श्री हेमलता बाई आदि उपस्थित रहे। इस दौरान दादू द्वारा आश्रम रतनगढ़ से सभी संत नंगे पांव जागरण स्थल भागवत कथा पंडाल तक पैदल चलकर आए। सर्वप्रथम सबने राष्ट्रगान किया तथा भारत माता और वीर शहीदों की जय जयकार से पंडाल को गुंजायमान कर दिया। इस मौके पर आयोजक बजरंगलाल दौलतराम माली गोड़ परिवार ने आगंतुकों का यथा योग्य सम्मान और आभार व्यक्त किया। जिले में गुरुवार को बच्चों को जिंक की गोली खिलाकर गहन दस्त नियंत्रण पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि बच्चों में डायरिया से बचाव के लिए चिकित्सा विभाग की ओर से 17 अगस्त से 31 अगस्त तक गहन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा चलाया जा रहा है। पखवाड़े के दौरान राजकीय चिकित्सा संस्थान पर जिंक कॉर्नर बनाए गए हैं तथा बच्चों को ORS का घोल व जिंक की गोली खिलाई जाएगी। अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एहसान गोरी ने बताया कि जिले की ग्राम पंचायत घांगू के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 5 वर्ष तक के बच्चों को जिंक की दवा खिलाकर अभियान का शुभारंभ किया गया।
चूरू कस्बे की शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अग्रसेन नगर को भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने नेशनल सर्टिफाइड किया है। भारत सरकार की नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस की टीम ने निरीक्षण के बाद अग्रसेन नगर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 76% से अधिक अंक दिए हैं। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि भारत सरकार नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस की टीम ने जुलाई माह में विभिन्न बिंदुओं पर UPSC अग्रसेन नगर का निरीक्षण किया था। अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एहसान गोरी ने बताया कि UPSC को नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस की टीम ने निरीक्षण के बाद सर्टिफाइड होने के बाद हर वर्ष तक 2,00,000 रुपये मिलेंगे। सीतापुरा जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज राज्य स्तरीय सखी सम्मेलन कार्यक्रम किया गया, जिसके तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम टाउन हॉल में रखा गया। इस अवसर पर CEO PR मीणा, हरिराम चौहान, साइट निदेशक संजय महला सहित 600 महिलाएं उपस्थित रही। कार्यक्रम में अंजू देवी CRP थैलासर चूरू से मुख्यमंत्री महोदय ने संवाद किया, जिसमें उन्होंने राजीविका से जुड़ने व सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी व्यक्त की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा चूरू जिले की 2 महिला सुलोचना देवी क्लस्टर मैनेजर सात्यु तारनगर एवं भवरी कंवर CRP को राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया। शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ रेसला की रतनगढ़ ब्लॉक कार्यकारिणी का निर्वाचन आज जालान उच्च माध्यमिक स्कूल में जिलाध्यक्ष अमित सारण की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस दौरान पर्यवेक्षक सुरेंद्र शर्मा और अविनाश सारण के मुख्य आतिथ्य में विनोद महिया को सर्वसम्मति से अध्यक्ष, रमेश नवल को मंत्री, लालचंद मीणा को सभाध्यक्ष और गोविंद भाटी को कोषाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया। उपस्थित शिक्षक नेताओं ने वर्तमान परिस्थितियों में एकजुटता के साथ सार्वजनिक शिक्षा को बचाने के लिए संघर्ष करने के लिए आह्वान किया।